Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the concept, meaning and definitions of sales managers. यानी कि आज के लेक्चर में हम सेल्स मैनेजर के टॉपिक को कवर अप करेंगे. इसके क्या क्या रोल्स हैं, इसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनको भी हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे. लेकिन पहले बात करते हैं, व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्स मैनेजर. अब मैनेजर, पहले बात करते हैं मैनेजर की. मैनेजर कौन होता है? मैनेजर इज वन हु मैनेजेस अदर्स, दैट इज हु गेट्स द वर्क डन थ्रू अदर्स. जैसा कि हम सभी ने ये डेफिनेशन स्टडी करी हुई है, मैनेजर का मतलब होता है जो दूसरों से या दूसरों के थ्रू. दूसरों का मतलब यहां पर उसके टीम से है, जो अपनी टीम के थ्रू वर्क को कंप्लीट कर रहा हो, उस पर्टिकुलर पर्सन को हम मैनेजर का नाम देते हैं. तो अगर मैं सेल्स मैनेजर की बात करूंगा, तो जिसे हम मार्केटिंग मैनेजर या सेल्स डायरेक्टर या चीफ सेल्स एग्जीक्यूटिव के नाम से भी जानते हैं, ये वो पर्टिकुलर पर्सन होता है जो मार्केटिंग के वर्क को अपने सेल्स फोर्स के द्वारा कंप्लीट करा रहा होता है. इट मींस दैट अ सेल्स मैनेजर इज द पर्सन हु गेट्स द वर्क ऑफ मार्केटिंग डन थ्रू द सेल्स फोर्स. ये वो पर्टिकुलर पर्सन होता है जो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के व्हील की तरह स्टीयर कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है एक पर्टिकुलर और डेफिनेट डेस्टिनेशन की तरफ. ये वो पर्टिकुलर पर्सन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को मैनेज करता है, और ये जो सेल्स है ऑर्गेनाइजेशन की, ये एक तरीके से उसके लाइफ ब्लड की तरह होती है. जैसे कि एक ह्यूमन के लाइफ में ब्लड का रोल है, वैसे ही एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज के लिए सेल्स पर्सन का रोल होता है या सेल्स का रोल होता है. इसका मतलब हम सेल्स मैनेजर को डिफाइन कर सकते हैं एक प्रॉपर वे में. सेल्स मैनेजर इज द पर्सन हु प्लान्स, ऑर्गेनाइजेस, डायरेक्ट्स, मोटिवेट्स, कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेलिंग डिपार्टमेंट फॉर प्रॉफिट टू द ओनर एंड सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर. यानी कि सेल्स मैनेजर वो पर्टिकुलर पर्सन होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सेलिंग डिपार्टमेंट की डिफरेंट एक्टिविटीज को प्लान करता है, उसे ऑर्गेनाइज करता है, उसके डायरेक्शन में डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, कोऑर्डिनेशन को फॉलो करता है और कंट्रोलिंग एक्टिविटीज को फॉलो करता है. पर्पस क्या होता है? जैसे कि ओनर को मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो सके और उसके साथ साथ कंज्यूमर को प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिल सके, तो हम ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को सेल्स मैनेजर का नाम देते हैं. इसके साथ साथ जो सेल्स मैनेजर है, जो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? सेल्स को जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट्स को जनरेट करने के लिए और कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने के लिए. कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो सेल्स मैनेजर है, जो सेल्स मैनेजर है, ही इज द हब ऑफ सेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव व्हील. एक तरीके से जो सेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव व्हील है, उसके हब की तरह सेल्स मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एंटरप्राइज में अपनी वर्किंग को फॉलो करता है. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेल्स मैनेजर. जब हम कंपनी टू कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी टू कंपनी सेल्स मैनेजर की जो ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो डिफर कर सकती हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं. हालांकि इनमें से जो मेन ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो कॉमन ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सेल्स मैनेजर की, वो हम डिस्कस करेंगे. द वेरी फर्स्ट वन इज द प्लानिंग सेल्स. प्लानिंग सेल्स, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द पास्ट सेल्स, रेफरिंग टू द प्रेजेंट सेल्स एंड लुकिंग इनटू द फ्यूचर विद अ फेयर अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी. सेल्स को प्लान करना है, और सेल्स को प्लान करने का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो सेल्स मैनेजर है, वो पास्ट सेल्स को प्रॉपरली स्टडी करता है, फिर प्रेजेंट सेल को एक रेफरेंस के तौर पर यूज करता है, और फिर फ्यूचर में कितनी सेल्स अचीव की जा सकती है उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर प्लान डेवलप करता है, वो भी एक प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ में. जो टारगेट्स उसके द्वारा सेट किए जाते हैं, उसके रिगार्डिंग एक सेल्स प्लानिंग प्रोसेस को उसके द्वारा सेट किया जाता है. तो क्या क्या, किस तरह से ये सेल्स प्लानिंग प्रोसेस सेट की जाती है? सबसे पहले जो सेल्स मैनेजर है, ही इज एस्टिमेटिंग द डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेस. सबसे पहले जो सेल्स मैनेजर है, वो क्या करेगा, वो किसी भी पर्टिकुलर, जिस पर्टिकुलर कंपनी में वो वर्कआउट कर रहा है, उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के रिगार्डिंग डिमांड को एस्टिमेट करता है. डिमांड को एस्टिमेट करने के बाद
फिर वो देखता है मीटिंग द कंज्यूमर्स डिमांड बाय द फर्म, कि फर्म किस तरीके से अपने कंज्यूमर्स की डिमांड को मीट आउट कर सकती है, क्या क्या फैसिलिटीज फर्म के पास अवेलेबल है, वो सारी फैसिलिटीज इसके द्वारा स्टडी की जाती है, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर डेटा और प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। उसके बाद वो क्या करता है, जो उसके पास सेल्स फोर्स अवेलेबल है सेल्स टारगेट्स को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी कैपेबिलिटी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ऑफ जितनी इंफॉर्मेशन उन्होंने अब तक कलेक्ट करी है फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप में, इन सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो क्या करता है सेल्स टारगेट को फिक्स करता है, आइटम वाइज या प्रोडक्ट वाइज या फिर टेरिटरी वाइज वो सेल्स टारगेट्स को फिक्स कर देता है। तो ये तरीका होता है, ये एक मेथड होता है जिसके थ्रू सेल्स की प्लानिंग की जाती है बाय द सेल्स मैनेजर। ओके, नाउ कम टू द सेकंड स्टेप, सेकंड ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्स मैनेजर, एंड दिस इज एडवाइजिंग मैनेजमेंट, एडवाइस देना मैनेजमेंट को, लगातार एडवाइस देना, ये भी काम किसका होता है सेल्स मैनेजर का, क्योंकि ये सेल्स मैनेजर होता है जो क्या करता है सेल्स के वर्क को प्रॉपरली फॉलो कर रहा होता है, और इसी वजह से इसके पास डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है जिसका यूज क्या कर सकता है वो मैनेजमेंट को उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके इसका यूज कर सकता है। टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस करने की इंपॉर्टेंट ड्यूटी सेल्स मैनेजर द्वारा फॉलो की जाती है विद इन द सेल्स डिपार्टमेंट। नाउ द पॉइंट इज दैट के उसके द्वारा किस तरह की एडवाइस मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जा सकती है, क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन है जो सेल्स डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है, इसी वजह से वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस दे सकता है रिगार्डिंग द लोकेशन एंड लेआउट ऑफ द सेल्स ऑफिस, और इसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने एक्सपेंशन प्रोग्राम्स को फॉलो करना है उसके रिगार्डिंग भी उसकी तरफ से एडवाइस दे सकती है। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने सेल्स डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग एक्सपेंशन प्रोग्राम को फॉलो करता है या फिर सेल्स ऑफिस के रिगार्डिंग उसको लोकेशन और लेआउट को के बारे में डिसीजन लेना है तो उसके रिगार्डिंग एडवाइस दी जा सकती है बाय द सेल्स मैनेजर। इसके साथ साथ जो सेल्स फोर्स है उसके बिहाफ पर जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है उसको ध्यान में रखते हुए भी रिकमेंडेशंस दिए जा सकते हैं बाय द सेल्स मैनेजर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इसके साथ साथ अगर सेल्स पर्सनल्स को ट्रांसफर करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर जरूरी है और जब कभी भी ये रिक्वायर्ड होता है तो इसके रिगार्डिंग भी सेल्स मैनेजर के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या फिर टॉप मैनेजमेंट को प्रॉपर एडवाइस दी जा सकती है। क्लियर? थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी क्या रहती है इसकी, दैट इज द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट, क्योंकि उसे जो टास्क दी गई है सेल्स के रिगार्डिंग उसे वो अपनी टीम के थ्रू कंप्लीट करानी है तो उसे एक टीम तो क्रिएट करनी पड़ेगी और टीम के लिए उसे पर्सोनल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसी वजह से उसको सेल्स पर्सोनल्स को प्रॉपरली सेलेक्ट करना होता है और सुटेबल सेल्स पर्सन्स को अपॉइंट भी करना होता है, जैसे कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये सेल्स पर्सोनल्स प्रॉपरली वर्कआउट कर सके। और एक बार जब इनका अपॉइंटमेंट हो जाता है इसके बाद सेल्स मैनेजर क्या करता है इनको डिफरेंट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी असाइन करने का काम करता है। क्लियर? नाउ द फोर्थ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्स मैनेजर इज कोऑर्डिनेटिंग एंड डायरेक्टिंग। द सेल्स डिपार्टमेंट कैन नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एंड एफिशिएंट डायरेक्शन फ्रॉम द सेल्स मैनेजर्स। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी रहता है इसका कि जब तक सेल्स मैनेजर सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं करेगा और एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा अपने सेल्स पर्सोनल्स को, तब तक आप प्रॉपर सेल्स रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर सकते। तो प्रॉपर गाइडेंस जरूरी है, एक एफिशिएंट डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है सेल्स मैनेजर की तरफ से। सबऑर्डिनेट्स के अंदर जो हिडन टैलेंट है या जो लेटेंट टैलेंट है उसको हार्नेस करने के लिए भी पीक लेवल तक हार्नेस करना है, अगर उसको आपको पीक लेवल तक हार्नेस करना है तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस तो देना ही होगा। तो सेल्स मैनेजर इसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करता है, उनके एक्शंस को प्रॉपरली सुपरवाइज करता है और उन्हें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है जिससे कि जो उनका छिपा हुआ टैलेंट है जो उनका हिडन टैलेंट है उसको पीक लेवल तक हार्नेस किया सके और सेल्स ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली अचीव किया जा सके। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेल्स मैनेजर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड डायरेक्टिंग।
द फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी ऑफ सेल्स मैनेजर इज ट्रेनिंग द सेल्स फोर्स। ट्रेनिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है सेल्स फोर्स के रिलेशन में, क्योंकि सेल्स फोर्स को मोटिवेट करना है और उनके मोरल को इंक्रीज करना है तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। जब सेल्स फोर्स को एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है तो जो रिक्रूटेड सेल्स फोर्स है उनको अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के रेफरेंस में रिक्वायर्ड स्किल्स और नॉलेज मिल जाती है और उसके बेसिस पर इनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही इंक्रीज होती हैं। और इसके साथ साथ सेल्स फोर्स को वर्किंग प्रोसीजर के रिलेशन में एक स्टैंडर्डाइजेशन भी मिल जाता है, यानी कि एक स्टैंडर्ड वर्किंग प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है बाय ईच एंड एवरी सेल्स फोर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि एक प्रॉपर सेल्स फोर्स कल्चर डेवलप हो पाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जब तक एक सेल्स फोर्स कल्चर डेवलप नहीं होगा तब तक प्रॉपरली रिजल्ट्स को अचीव नहीं किया सकता। और सेल्स फोर्स कल्चर को डेवलप करने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम को अवेलेबल कराना, दिस इज वन ऑफ द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेल्स मैनेजर। नेक्स्ट वन इज द एलोकेशन ऑफ सेल्स टेरिटरीज एंड सेल्स कोटास। सेल्स टेरिटरीज को एलोकेट करना और सेल्स कोटास को एलोकेट करना, यह भी काम किसका होता है? सेल्स मैनेजर का होता है। क्या करता है इसके लिए सेल्स मैनेजर? सबसे पहले तो जो सेल्स मैनेजर है वो कंप्लीट मार्केटिंग एरिया को डिवाइड करता है इन नंबर ऑफ सेल्स टेरिटरी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बिना डिवाइड किए हुए वो कोटा को फिक्स कर दे या टारगेट को फिक्स कर दे। तो सबसे पहले अपने ऑपरेशंस को इजी करने के लिए वो क्या करता है, कंप्लीट मार्केटिंग एरिया को नंबर ऑफ सेल्स टेरिटरी में डिवाइड कर देता है। अब हर एक सेल्स टेरिटरी को एक पर्टिकुलर सेल्समैन को एलोकेट कर दिया जाता है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं इसके पीछे और उन नंबर ऑफ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हर एक सेल्स टेरिटरी को पर्टिकुलर सेल्समैन को एलोकेट किया जाता है या फिर ग्रुप ऑफ सेल्समैन को भी एलोकेट किया जाता है और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में प्रोडक्ट की सेलिंग को फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से सेल्स स्ट्रेटजीज और सेल्स कोटास को प्रॉपरली एलोकेट किया जाता है बाय द सेल्स मैनेजर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंपेंसेटिंग द सेल्स पर्सोनल। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है क्योंकि जब तक प्रॉपर कंपेंसेशन नहीं होगा तब तक सेल्स पर्सोनल्स अपने आप को मोटिवेटेड फील नहीं करेंगी। तो यहां पर जो सेल्स मैनेजर है ही हैज टू डिटरमाइन एन अट्रैक्टिव एज वेल एज रिलायबल कंपेंसेशन पॉलिसी फॉर देयर सेल्स पर्सोनल। तो अपने सेल्स पर्सोनल के लिए उसको एक प्रॉपर अट्रैक्टिव और रिलायबल कंपेंसेशन पॉलिसी को डिटरमाइन करना ही होता है। यह भी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि जितनी अट्रैक्टिव कंपेंसेशन पॉलिसी होगी, जितनी रिलायबल कंपेंसेशन पॉलिसी होगी सेल्स फोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उतना ही होल हार्टेड एफर्ट्स को फॉलो करेगी और उतना ही डीप वे में वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्कआउट करेगी। तो जितना अच्छा पेमेंट मिलेगा उन्हें, जितना उनके काम के लिए उन्हें पेमेंट दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करेंगे। और अगर ये पेमेंट हैंडसम पेमेंट होगा, अट्रैक्टिव पेमेंट होगा, तो वो होल हार्टेड वे में अपने वर्क को फॉलो कर रहे होंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज द मेंटेनिंग द सेल्स ऑफिस। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ सेल्स ऑफिस इज वन ऑफ द प्राइम एंड इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेल्स मैनेजर। यानी जो सेल्स ऑफिस है उसको एफिशिएंट वे में मैनेज करना, ये भी सेल्स मैनेजर की एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और ये कैसे फॉलो किया जाता है सेल्स मैनेजर द्वारा? इसके लिए क्लियर लाइन अथॉरिटी को फॉलो करना जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना जरूरी है। इसके साथ साथ जो सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी डेलीगेट की जानी चाहिए विद इन द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन उसको भी क्लियर कट वे में डिफाइन करना जरूरी है। जब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सबॉर्डिनेट के लिए क्लियर कट वे में डिफाइंड होगा तो गलती की गुंजाइश कहीं भी नहीं होगी। डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन इसको भी एडवांस में डिटरमाइन करना और कम्युनिकेट करना जरूरी रहता है, इससे काम करने में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होता है और सेल्स ऑफिस को प्रॉपर और एफिशिएंट वे में मैनेज किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेल्स मैनेजर। द नेक्स्ट वन इज द कंट्रोलिंग द सेल्स एक्टिविटीज। सेल्स एक्टिविटीज को प्रॉपरली कंट्रोल करना, यह भी काम सेल्स मैनेजर का है।
इसके लिए जो सेल्स मैनेजर है वो क्या करेगा, सेल्स फोर्स की सेलिंग सेलिंग एक्टिविटीज को प्रॉपरली कंट्रोल करेगा। और प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए उसे क्या करना है, जो सेल्स फोर्स है उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना होता है, किसके कंपैरिजन में, जो उसकी प्रीवियसली सेट सेल्स टारगेट से उसके कंपैरिजन में। तो जो उसने प्रीवियसली सेल्स टारगेट्स को सेट कर रखा था उससे सेल्स फोर्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है और इसके बेसिस पर इनके सेल्स एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है। यानी कि अगर कहीं भी उसको डेविएशन दिखाई देता है तो उसको करेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसके द्वारा डिफरेंट टाइप के एक्शंस लिए जाते हैं जिससे कि प्रॉपर सेल्स टारगेट्स को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्स मैनेजर इज स्टडिंग मार्केट कंडीशंस। यानी कि इसके साथ साथ मार्केट कंडीशंस को प्रॉपरली स्टडी करना, उसको एनालाइज करना और उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग पॉलिसीज, मार्केटिंग प्लानिंग में चेंजेस को फॉलो करना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, सेल्स मैनेजर की होती है। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की तो इनके पास एक सेपरेट मार्केट रिसर्च डेवलपमेंट मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट अवेलेबल होता है और ये जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वो लगातार मार्केट में होने वाले चेंजेस को स्टडी करता है और उसके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के इन्फॉर्मेशन को भी अवेलेबल कराता रहता है। अब ये काम किसका है, सेल्स मैनेजर का, कि वो लगातार मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट के साथ में इंफॉर्मेशन को शेयर करे और जैसी इंफॉर्मेशन इनके पास अवेलेबल हो उसको स्टडी करके अगर कोई भी चेंजेस फॉलो किए जाने हो तो उन चेंजेस को ये फॉलो करे और उसके रिगार्डिंग अपने डिसीजंस को फाइनलाइज करे। ये काम किसका रहता है, दिस इज द वर्किंग ऑफ द सेल्स मैनेजर टू स्टडी द मार्केट कंडीशंस एज प्रोवाइडेड बाय द रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू टेक नेसेसरी एक्शंस regarding these changes. Okay, so these are all the different responsibilities and duties of sales manager within any of the organization. Thank you.